वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल चिल्ड्रन। चाहे आप क्लास 10th में हो या आप क्लास 12th में हो, एक चिंता आपको सता रही है कि सर हमारा टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज क्या रहेगा। जिन बच्चों का टर्म 1 खराब गया है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो टर्म 1 का वेटेज है उसको 20% कर दिया जाए, 10% कर दिया जाए या 30% कर दिया जाए। वहीं जिनका टर्म 1 अच्छा गया है वो ये चाह रहे हैं कि नहीं सर 50% हो जाए। तो चिल्ड्रन, दो तरह की डिमांड्स हैं जो कि चल रही हैं। अब सीबीएसई भी अपने पॉइंट से बार बार बदल रही है। स्टार्टिंग की अगर बात करूं जुलाई के सर्कुलर की, तो सीबीएसई ने एक बात कही थी कि हम टर्म 1 और टर्म 2 दोनों कराएंगे इस साल, और टर्म 1 का वेटेज रहेगा 50% और टर्म 2 का वेटेज रहेगा 50%, और 50-50 दोनों परसेंट को मिला के यानी 100% करके लास्ट में फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। लेकिन टर्म 2 रिजल्ट होने से पहले सीबीएसई ने एक ऐसी खतरनाक चाल चली, उसमें सीबीएसई ने अपने एक सर्कुलर में एक ऐसा रूल दे दिया कि हम फाइनल डिसीजन बाद में लेंगे, हमें क्या करना है, टर्म 1 का वेटेज हमें क्या रखना है, टर्म 2 का वेटेज तुम्हें क्या रखना है। अब तुमने यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस देखी होंगे, कुछ लोग पहले ही बता रहे हैं बिना देखे बिना समझे बिना सुने। इस वीडियो में पूरी बात बताने वाला हूं, और जिस बच्चे ने इस वीडियो को पूरा देख लिया उसकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और मेरे भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आगे इस छोटे से अपडेट के बाद। कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेई नीट, पढ़ाई संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है, तो डाउनलोड करें फ्लो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, एंड उसके बाद फिर आपको अपने नंबर से इसका साइन अप करना होगा। एंड उसके बाद अगर आपको पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तो जस्ट सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का या उस सवाल का फोटो क्लिक करना है, एंड उसके बाद उसको अपलोड करना है। मात्र 60 सेकेंड के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार कैसे होगा, ठीक है। तो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चिल्ड्रन, वेटेज की बात बताऊं उससे पहले आपको बता दूं आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो है हिंदी का, और हिंदी का इंग्लिश बाबा चैनल पे सबसे पहले हमने आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा रिविजन बना दिया है, वो देख लेना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए, जॉर्ज पंचम की नाक, माता का आंचल, और भी कोई भी जो भी चैप्टर है, आप सना सना हाथ जोड़ी, आपको बस लिखना है जॉर्ज पंचम की नाक क्वेश्चन आंसर बाय इंग्लिश बाबा, सना सना हाथ जोड़ी क्वेश्चन आंसर बाय इंग्लिश बाबा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। चिल्ड्रन, मैं आपको बता रहा था कि भाई जिन बच्चों का टर्म 1 अच्छा हुआ है वो तो ये चाहते हैं कि टर्म 1 का जो वेटेज है वो 50% रख दिया जाए या 50% से भी ज़्यादा, इससे कम ना किया जाए। अब जिन बच्चों का टर्म 1 खराब हुआ है, और वो बच्चे गलत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली खुद बाद में सीबीएसई ने भी इस बात को माना है कि टर्म 1 में बहुत सारी जगह, मैं आपकी बात नहीं कर रहा कि आपने नकल की है, लेकिन बहुत सारी जगह इंडिया में ऐसी हुई है जहां पर मैल प्रैक्टिस हुई है, नकल हुई है। आपने भी वीडियोस देखे होंगे, मैंने भी अपने चैनल पर डाले थे, जो साफ साफ सबूत निकल के आए थे। टीचर्स लोगों ने बच्चों की हेल्प की थी, उनको ऑप्शंस बताए थे कि पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। तो अब इस तरह के बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि हमने अपनी मेहनत से पेपर दिया है और हमारे कमाए हैं, और जो लोग बिना पढ़ के गए हैं, चीटिंग वाले सेंटर बने हैं कुछ इस तरह के, उनके बहुत अच्छा रिजल्ट गया है। तो अब सीबीएसई किसी भी तरह के, मुझे लगता है, पचड़े में नहीं पढ़ना चाहेगी। अब यहाँ पे सपोज करो अगर सीबीएसई टर्म 1 को 30% कर देती है और टर्म 2 को 70% कर देती है, अब टर्म 1 में जिसके अच्छे मार्क्स आए होंगे, ठीक है, और टर्म 2 में अगर उसके खराब हो जाते हैं, तो सीबीएसई को फंसने का डर है। हो सकता है बच्चे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं कि बताओ हमारे तो टर्म 1 में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और सीबीएसई ने केवल 30% लगाया। अब अगर सीबीएसई इसका उल्टा करती है कि टर्म 1 का वेटेज बढ़ाती है और टर्म 2 का वेटेज घटाती है, तो फिर से कुछ इस तरह के बच्चे होंगे जिनका टर्म 2 अच्छा जा रहा है, टर्म 1 खराब जा रहा है। तो सीबीएसई के पास अब एक ही चॉइस बचती है, और वो चॉइस ये है कि टर्म, जो सीबीएसई ने स्टार्टिंग में ही बात की थी, 50% टर्म 1 का ले और 50% टर्म 2 का ले, और उसके हिसाब से रिजल्ट बनाए, ठीक है। ना ये वाले बच्चे परेशान रहेंगे, ना ये वाले बच्चे परेशान। इसके अलावा मैं अपने हर वीडियो में बच्चों को सपोर्ट करने के लिए सीबीएसई को टैग कर रहा हूं, और दूसरे भी यूट्यूबर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इस साल वाले क्लास 10th और 12th वाले बच्चों को सपोर्ट करो। और बेस्ट तरीका यह है टर्म 1 टर्म 2 की वेटेज हटाओ यार। जिस बच्चे के अगर टर्म 1 में ज़्यादा परसेंटेज बन रहे हैं, मान के चलो एक बच्चा है राहुल, उसने टर्म 1 की एग्जाम दिए, उसके मार्क्स बन रहे हैं 85% टर्म 1 में,
और अगर उसके टर्म टू में बन रहे हैं 75%, तो भाई मेरी रिक्वेस्ट ये है CBSE को, सारे बच्चों को, सारे यूट्यूबर्स को, सबको, कि भैया बच्चे के जिस टर्म में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि बेस्ट ऑफ इधर टर्म्स के बेस पे बना दो। आप ये बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर इस तरह से आपका रिजल्ट बन जाता है तो आप खुश होगे या नहीं होगे? क्या कोई भी बच्चा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा कि मुझे तो ज़्यादा नंबर दे दिए? आप बोलो, क्या कोई भी बच्चा परेशान होगा कि भाई उसको ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं? तो कोई बच्चा, तो मुझे ऐसा लगता है अगर CBSE ये वाली पॉलिसी अपना लेती है बेस्ट ऑफ ईदर टर्म्स की, तो भाई साहब सारी की सारी दिक्कतें खत्म हैं। ना कोई बच्चा परेशान होगा, ना कोई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट मार्क्स सबको मिल गए हैं। इसके अलावा एक बात और बता दूं चिल्ड्रन, ग्रेस मार्क्स और मॉडरेशन पॉलिसी। मॉडरेशन पॉलिसी किस तरह से आपको मार्क्स बढ़ाने वाली है, वो वीडियो मैंने बना दिया है, ठीक है, उसका लिंक मैंने उसमें डाल दिया है, ठीक है। दोबारा सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं चिल्ड्रन, प्लीज़ आप डिमांड करो बेस्ट ऑफ ईदर टर्म्स, क्योंकि बेस्ट ऑफ ईदर टर्म्स अगर आ गई ये वाली पॉलिसी जो मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर ये काम हो गया तो चिल्ड्रन तुम्हारी भी बल्ले बल्ले, हमारी भी बल्ले बल्ले, क्योंकि यार जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, पिछले 2 साल से तो पेपर हुए नहीं और फिर भी बच्चों के भाई साहब 90% 95%, और ये वाला बच्चा जो अब क्लास 10th में है और क्लास 12th में, बेचारा टर्म 1 भी दे, टर्म 2 भी दे, और अगर फिर भी इसके 50% रह जाएं, 60% रह जाएं, तो ये मेरे ख्याल से बच्चों के साथ जस्टिस नहीं है, ये सरासर इनके साथ गलत हो रहा है। तो हमें और सारे यूट्यूबर्स को मिलकर बच्चों की आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये बच्चे ही हैं जो हम लोगों को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ कॉमेंट करो बेस्ट ऑफ ईदर टर्म, सर हमें भी, सर हम आपकी बात से अग्री हैं और हम डिमांड करते हैं। तुम ये छोड़ दो कि 30% 70%, हमें नहीं चाहिए भैया, हम CBSE से डिमांड नहीं कर रहे, हमें भीख नहीं चाहिए, सॉरी मुझे और मेरे बच्चों को भीख नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। आपने पिछली बार बिना एग्जाम दिए 90-95% दिए हैं, तो मुझे मेरे एग्जाम के बेस पे मार्क्स दे दो ना भाई। अगर मेरे टर्म 1 में ज्यादा परसेंटेज बन रहे हैं तो मेरे टर्म 1 के बेस पे दे दो, और अगर मेरे टर्म 2 में, बस कहानी खत्म। तो चिल्ड्रन, अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में।